यही सब सिखाएंगे। भ्रष्टाचारी का काम क्या है? जो अपराध भ्रष्टाचार दुराचार और अत्याचार में संलिप्त रहे हैं ऐसे लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। संस्कार देते रहे बाबा मटन वाली बात को ये बताइए कि सावन के महीने में मटन बना रहे थे लाल। मैंने कह दिया भाई ये सावन के महीना के मटन वाली बात राहुल गांधी बनाकर कर रहे हैं। जेडीयू के कुछ नेता बक्सर आए थे बोले कि बक्सर सांसद और पीएम दोनों मटन वटन बनाकर राहुल गांधी खा रहे हैं। अरे ऐसे नाकाम लोगों को नक्कार खाना जनता भेजती रही है इनको क्या पता सनातन से जो अपने पूर्वजों का नाम याद नहीं रखता जो पूर्वजों का सम्मान नहीं देता ऐसे लोग हाशिए पर जाने वाले हैं। इनको हाशिए से जाने के लिए कोई हाशिए पर ही जाके मिट जाएंगे। राहुल गांधी बाबा मटन वटन खा रहे हैं बनाकर खा रहे हैं। अरे भाई तो और क्या उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? उनसे कोई सावन में शाकाहारी चीज का अपेक्षा कर सकते हैं जैसा भी तो लगा लेते और जो अरे भाई नकली जनेऊ कोई पहन सकता है नकली जनेऊ कोट के ऊपर बस कोट के ऊपर नकली जनेऊ पहन लिया संस्कार कहाँ होगा संस्कृति कहाँ है पूर्व में वो संस्कार और संस्कृति तो सनातन। आपकी भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। ये महागठबंधन के लोगों में आपस में बगावत आज से ही शुरू हो गई। अरे भाई बगावत आज से नहीं जिस दिन इन्होंने गठबंधन बनाया था उस दिन से बगावत शुरू हो गया है और पूरी तरह से आप देख लीजिएगा आते आते चुनाव आते आते कोई उत्तर भागेगा कोई दक्षिण भागेगा कोई नेपाल की खाड़ी में समा जाएगा और चुनाव आते आते बंगाल की खाड़ी में सब लोग वही समा जाएगा। हाँ तो और क्या मांस मांसी बनाने के लिए सिखाएंगे ना कि दूसरों का मांस खाओ है और क्या सिखाएंगे। अरे वो सिखा क्या सकते हैं वो और तो कोई अच्छी बात सिखाएंगे नहीं। एक बार शादी करने के लिए सिखाए तो शादी नहीं हुआ लालू जी तो ये यही चीज सिखाते हैं। अभी सिखाएंगे कैसे माल निकाला जाता है कैसे यही सब सिखाएंगे। भ्रष्टाचारी का काम क्या है? जो अपराध भ्रष्टाचार दुराचार और अत्याचार में संलिप्त रहे हैं ऐसे लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती का संस्कार देते रहे बाबा मटन वाली बात को ये बताइए कि सावन के महीने में मटन बना रहे थे लालू। मैंने कह दिया भाई ये सावन के महीना कितना पवित्र महीना और उनका किडनी डैमेज है सब जानते हैं। नया किडनी बना है लेकिन वो खाने पर कभी जोर देंगे ना वो सब दिन यही सब चीज खाते पीते रहे यही तो दुर्भाग्य। बाबा लालू जी नीतीश कुमार को ठग रहे हैं क्या 16 मिनट के भाषण में राहुल गांधी को सीएम बनने की तैयारी में जुटने के लिए? आपको ये अभी मालूम है वो कैसे पहुंच गए थे पहला दिन है? छोटे भाई को जानते हैं किसके पेट में बड़का बड़का दांत है विषैला दांत तो विषैला दांत को वो कभी बर्दाश्त करेगा? आज जेल भोग रहे हैं वो इनके कारण भोग रहे हैं। ये ऊपर से नकली दोस्ती हुई है गलबाही बांध रहे हैं चाचा भतीजा की सरकार ऊपर से नकली है असली पिक्चर तो आ जाएगा बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए नाम नहीं ले रहे हैं क्या प्रधानमंत्री उनका बस चलेगा लालू जी तो इनको शौचालय के नीचे का मंत्री बना दें। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से भी मैं सख्त निर्देश देता हूं कि किसी भी हालत में शहीदों के साथ शहीद बन या शहीद के जो मूर्ति है या तो आप लगाओ नहीं लगाओ तो अच्छा तरह सम्मान करो। जैसे ये इस प्रकार से शहीदों का शहीद स्थल का अपमान कदापि नहीं होना चाहिए। शहीद स्थल की स्वच्छता मूर्ति की स्वच्छता इसके लिए पूरी तरह से नगर निगम जो यहाँ के हैं या जिनको भी जिम्मेवारी आपने सौंपा है उनका ये दायित्व तो बनता है। मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है कार्यक्रम रहे या न रहे प्रतिदिन उसकी सफाई व्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए सुव्यवस्थित होनी चाहिए। लोगों का कहना है काफी हर समय गंदा रहता है आज तो आप आए तो झाड़ दिए लेकिन हर समय गंदगी बनी रहती है कोई व्यवस्था नहीं रहती। मैं इस पर जरूर आपकी सरकार में क्या मैं अमल करूंगा और मैं तो कहा है ना इनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से शहीदों से कोई मतलब नहीं है इनको अपना ठगबंदर बनाने का केवल काम चाहिए। ठगबंदर बनाने का जो उनका इंडिया ठगबंधन बनाया है उन्होंने केवल उसके लिए वो समय निकाल के जगह जगह टूर कर रहे हैं
कहीं फिल्म बनाने जा रहे हैं, कहीं शूटिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ से बैरंग होके वापस हो रहे हैं। होने जाने वाला कुछ है नहीं, लेकिन बिहार की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के शहीदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के शहीदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। और जिस प्रकार से कल तो सनातन धर्म पर, मतलब उनके इंडिया ठगबंधन के मुख्यमंत्री के बेटे ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने इतनी बुरी बात कही, सचमुच में वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मुख्यमंत्री के बेटे जो मंत्री हैं वहाँ पर, और ये जितने इंडिया ठगबंधन के नेता हैं ये हंसते रहे, आज तक उन्होंने अपना स्पष्टीकरण नहीं किया। ऐसे लोगों को जो देश के सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार करेगा, ऐसे लोग जो सनातन धर्म का अपमान कदापि नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इसलिए कभी रामचरितमानस का अपमान सनातन धर्मावलंबियों के साथ, कभी सनातन धर्मावलंबियों की छुट्टी को समाप्त करना, ये बिहार सरकार का जो तुष्टिकरण का नीति, यह जो सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये लोग वही औरंगजेब और बाबर, जो औरंगजेब और बाबर नहीं कर पाया सनातन धर्म को तोड़ मोड़ करके, उसकी थी कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए, ये पता नहीं उनको, ये लाखों करोड़ों साल से ये सनातन धर्म है, तो आज पूरा विश्व है। जिस दिन सनातन धर्म मिट जाएगा, पूरा विश्व ही मिट जाएगा। और ये सनातन धर्म